वेलकम है आपका एक्सिस बैंक जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। पूर्व सैनिकों के लिए एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया और यहां पर जो भर्ती आपको मिलेगी एनसीसी में पूर्व सैनिकों की भर्ती से संबंधित है। जो भी परमानेंट स्टाफ एनसीसी के अंदर होता है उसकी जगह पूर्व सैनिकों को लिया जाएगा। पहले क्या मिलेगी, क्या उसकी डिटेल्स रहेगी, क्या यहाँ पर और फैसिलिटी मिलेगी, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत देखा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर सकते हैं, आपको इसी तरह का अपडेट यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, ये जो लेटर लिखा गया है एनसीसी डायरेक्टर बिहार एंड झारखंड के द्वारा लिखा गया है और ये लिखा है राज्य सैनिक बोर्ड सैनिक कल्याण निदेशालय जो कि पटना बिहार के लिए है। तो यहाँ पर प्रपोजल ऑन हायरिंग और ऑफ ESM एज कॉन्ट्रेक्चुअल PL स्टाफ यानी कि परमानेंट जो स्टाफ यहाँ पर है उसकी जगह पर यहाँ पर PI स्टाफ की यहाँ पर तौर पे लिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आप लोगों को कि यहाँ पर इससे पहले भी 2288 पोस्टों के लिए एक नोटिफिकेशन पहले भी जारी किया जा चुका है जो कि बेंगलुरु की तरफ से किया जा चुका है। बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका NCC के द्वारा जारी किया जा चुका है और वहां पर भी 2288 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। तो उसी तरह से यहां पर जो इसमें बात कही गई है जो मेन है कि इट इज़ इंटीमेटेड दैट डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कॉर्पस हैड सबमिटेड ए प्रपोजल टू MOD फॉर एक्सपेंशन ऑफ NCC पैन इंडिया, यानी कि यहाँ पर जो डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कॉर्पस के द्वारा एक MOD को प्रपोजल दिया गया था NCC में पूर्व सैनिकों की भर्ती के संबंध में। और प्रपोजल को यहाँ पर स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी है, उन्होंने 8 मार्च 2024 को यहाँ पर डिफेंस सेक्रेटरी एंड जो DG NCC है FAD है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड नीति आयोग ने यहाँ पर अटेंड किया और बाकी जो यहाँ पर रिजल्ट निकला जिसमें कि ऑनरेबल रक्षा मंत्री ने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया और जिसमें कि 3 लाख पूर्व सैनिकों की वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी NCC में। तो यहाँ पर बेसिकली लेटर लिखा गया है झारखंड एंड बिहार एरिया के लिए और यहाँ पर 153 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पटना में जो यहाँ पर अलग अलग टाइप की NCC है, उसके अलावा मुजफ्फरपुर में है, भागलपुर में है, गया में है। तो JCOs की यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है टोटल 28 JCOs की रिक्वायरमेंट है। NCO के लिए यहाँ पर 67 रिक्वायरमेंट है। लोकेशन क्या क्या रहेगा, पटना के अंदर 3 जगहों पर है, मुजफ्फरनगर, छपरा, मधुबनी, भागलपुर, भागलपुर में 4 जगहों पर है, गया है, उसके अलावा बिहार शरीफ है और सासाराम है। उसके अलावा झारखंड की जो बात करूं मैं यहाँ पर, तो झारखंड में भी झारखंड और हजारीबाग में जो NCC है उनके लिए है। यहाँ पर JCOs की 43 पोस्ट हैं और यहाँ पर टोटल बात करूं तो जवानों के लिए 110 पोस्ट हैं और टोटल 153 पोस्ट हैं। लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं रांची के अंदर है, उसके अलावा दालतुंगा गंज के अंदर है, धनबाद है और हजारीबाग है। अब यहाँ पर क्या क्या और कंडीशंस दी गई है जिसमें कि टर्म एंड कंडीशंस के बारे में यहाँ पर बताया गया है जो कि आपको नीचे देखने को मिलेगी। ESM यहाँ पर अटैच होंगे, हायरिंग और ESM यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा। डिटेल्स ऑफ ESM मीटिंग एलिजिबिलिटी यानी कि जो भी डिटेल्स जो बताई गई है इस नोटिफिकेशन में जो कि मैं आपको यहाँ पर आगे बताऊँगा, इसमें जो भी ESM इस क्राइटेरिया को मैच करते हैं उनके लिए वैकेंसीज आपको मिलेगी और उनके नाम यहाँ पर फॉरवर्ड करने हैं। फॉरवर्ड फॉर्मेट के अंतर्गत फॉर्मेट ही दिया है इन्होंने और ये फॉर्मेट है जिसमें कि सीरियल नंबर है, रेजिमेंट नंबर, यूनिट रैंक नेम, डिस्ट्रिक्ट और मोबाइल नंबर दिया गया। तो इस तरह से सैनिक कल्याण बोर्ड के द्वारा ये नाम फॉरवर्ड करने हैं NCC के लिए। और यहाँ पे बताया गया है कि इस रिक्वेस्ट टू गिव वाइड पब्लिसिटी यानी कि इस ये जो NCC में भर्ती है इसको एक पूर्व सैनिकों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं इसके बारे में। द वैकेंसीज विल बी एडवर्टाइज शॉर्टली इन दी प्रोमेंट न्यूज़पेपर यानी कि वैकेंसी जो है जल्दी ही आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देखने को मिलेगी और जिसमें कि जो सैनिक कल्याण बोर्ड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ नाम फॉरवर्ड करें पूर्व सैनिकों के NCC को। तो यहाँ पर कॉपी टू भी काफ़ी यहाँ पर जिला सैनिक बोर्ड को किया गया जो यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं। अभी कंडीशंस क्या क्या है इसके लिए वो मैं आपको यहाँ पर आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या इसकी सैलरी रहेगी, क्या इसकी डिटेल्स है और क्या पूरी इसका कंडीशन रहेगा, क्या यहाँ पर किस तरह का
सिलेक्शन होगा, छुट्टियां कितनी मिलेगी, मेडिकल क्या क्या होगा, पोस्टिंग मैनेजमेंट क्या क्या होगा, ट्रेनिंग वगैरह के बारे में इसमें बताया गया और किन किन लोगों को यहाँ पे फिर फेयर किया जाएगा, यानी कि लेने के लिए तो सबको लिया जाएगा लेकिन फिर फेयर है जो कुछ विशेष हैं उनको फिर फेयर किया जाएगा, बाकी वो नहीं मिलते हैं तो नॉर्मल पूर्व सैनिकों को भी लिया जाएगा लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस बताई गई। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी सर्विस के बारे में यहाँ पे बताया गया कि शुड हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन द रैंक ऑफ हॉलदार, यानी कि जो एनसीओ ईएसएम एनसीओ इंस्ट्रक्टर के लिए हॉलदार को लिया जाएगा, जबकि जो जेसीओ इंस्ट्रक्टर है उनके लिए यहाँ पर रैंक सूबेदार और नायक सूबेदार दोनों को लिया जा सकता है। दूसरा जो पॉइंट इनके बारे में बताया गया कि ईएसएम फ्रॉम ऑल आर्म्स एंड सर्विस ऑफ आर्मी आर एलिजिबल सब्जेक्ट टू मीटिंग रिक्वेस्टेड क्रिटेरिया, तो जो भी यहाँ पर ले जाएंगे उनके लिए जो क्रिटेरिया है उसके अनुसार उनको एलिजिबल जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, और यदि एलिजिबल जेसीओ नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर सुटेबल एनसीओ को लिया जाएगा, यानी कि जेसीओ की रिक्वायरमेंट यदि पूरी नहीं होती है तो उनकी जगह पर एनसीओ लिया जाएगा। दूसरा जो तीसरा जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल हु हैव सर्वड इन कैट ए कैट बी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड रेजिमेंट सेंटर्स एज ए इंस्ट्रक्टर या फिर आईक्यू ग्रेडिंग जिसने भी किया हुआ है प्रोफेशनल कोर्स जिन्होंने किया है उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि एजुकेशन प्रेफरेबली बाय क्वालिफाइड इन वन ऑफ द अंडर मेंशनड आर्मी कोर्स फ्रॉम कैटेगरी ये और कैटेगरी बी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, तो यहाँ पे कुछ कोर्स बताए गए हैं यदि आप उनमें से आपने कोई किया हुआ है तो आपको यहाँ पर प्रिफेयर किया जाएगा। अभी जो कोर्स है उनमें कौन कौन से सेक्शन कमांडर कोर्स है इक्विवेलेंट कोई किया हुआ है, घातक कोर्स, ड्रिल कोर्स, वेपन ट्रेनिंग कोर्स, उसके अलावा मोटर कोर्स, एमएमजी एंड ईजीएल कोर्स, एंटी टैंक कोर्स, ऑल आर्म सिग्नल कोर्स, एलडीसीटी, एलजीजी, एससी ऑब्लिक यूआई कोर्स, ट्रूप्स कमांडर कोर्स एंड इक्विवेलेंट, एटीजीएम कोर्स, स्नाइपर कोर्स, एटीबी कोर्स, डीएनएम कोर्स एंड क्यूएम कोर्स। अभी यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशंस बताई गई जिसमें कि जेसीओ एनसीओ शुड हैव कंप्लीटेड कलर सर्विस, जो भी जेसीओ एनसीओ है उनका कलर सर्विस होना चाहिए। इन्होंने एग्जांपल के तौर पे बताया है कि यदि कोई नायक है और वहाँ एमएससीपी हवलदार के तौर पर रिटायर हुआ है तो उसको यहाँ पर हवलदार नहीं माने जाएगा। सिमिलरली कोई हवलदार है और एमएससीपी नायक सूबेदार की पेंशन ले रहा है तो उसको यहाँ पर हवलदार ही माना जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे गैप इन सर्विस, तो गैप बताया गया कि 2 साल से ज़्यादा रिटायरमेंट आने से और एनसीसी में भर्ती होने तक 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अभी इनिशियल टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ सर्विस के बारे में बताया गया कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा 2 साल का होगा, उसके बाद 11 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ ऑफिसर के ऊपर और आपके इंडिविजुअल का जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पर के। बाकी यहाँ पर जो जेसीओस के लिए एज रखी गई है मैक्सिमम 56 ईयर रखी गई है, जबकि एनसीओस के लिए जो एज रखी गई है 54 रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोविजन पीरियड ऑन ज्वाइनिंग एनसीसी, ये सम सेल बी ऑन प्रोविजन पीरियड पे होगा 3 मंथ के लिए और यहाँ पर आपका जो परफॉर्मेंस है डिसिप्लिन है उसके आधार पर यहाँ पर आपको आगे का जो सुटेबल माना जाएगा या अनसुटेबल माना जाएगा डिपेंड करेगा आपका जो परफॉर्मेंस है आपका जो डिसिप्लिन है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ईएसएम हायरिंग कैन बी टर्मिनेटेड बाय रिस्पेक्टिव एडीजी ऑब्लिक डीडीजीएस के द्वारा यहाँ पर आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो कंडीशंस है कि आपका जो डिसिप्लिन है डिसिप्लिन ग्राउंड पे आपको यहाँ टर्मिनेट किया जा सकता है, यदि आपका डिसिप्लिन ठीक नहीं है तो किया जा सकता है टर्मिनेट, लेकिन ये जो है एडीजी और डीडीजीएस के द्वारा ही और 3 महीने के अंदर यहाँ पे टर्मिनेट किया जाएगा आपको। डिसिप्लिन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि फॉर हायरिंग इन एनसीसी एन इंडिविजुअल शुड मीट द फॉलोइंग डिसिप्लिन क्यूआरस, और सबसे पहला है कि शुड नॉट हैव मोर देन 1 रेड इंक एंट्री ड्यूरिंग द फॉर्मर सर्विस, यानी पूरी सर्विस में आपका 1 रेड एंट्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नो रेड इंक एंट्री इन द लास्ट 5 ईयर ऑफ फॉर्मर सर्विस, जो पिछला सर्विस है आपका उसमें लास्ट 5 ईयर के अंदर कोई भी रेड एंट्री नहीं होनी चाहिए।
उसके अलावा जो पर्सनल प्रीवियसली अवॉर्डेड पनिशमेंट फॉर ऑफेंस एक्ट के बारे में यहाँ पे बताया. एक है यहाँ पे मोरल टर्पिट्यूड एंड फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज, इसके से संबंधित आपके पास कोई पनिशमेंट नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट है कि एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस करेक्टर जो है एग्जाम्पलरी आपका होना चाहिए. नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है, इन एडिशन टू हैव टू अबोव पर्सनल डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस फॉर द फॉलोइंग रीजन आर नॉट एलिजिबल फॉर हायरिंग इन एनसीसी इन द सब्जेक्ट एरिया. यानी कि आपका जो डिस्चार्ज है वहाँ इन बिंदुओं के कारण नहीं होना चाहिए जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे है कि डिस्चार्ज एडमिनिस्ट्रेटिवली फ्रॉम मिलिट्री सर्विस अंडर AR 13, ये उसके बारे में यहाँ पे बताया गया डिटेल्स. AR 14, उसके अलावा AA 45, इस कंडीशन के कारण आपकी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट है कि सर्विस नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एक्सेप्ट वेयर डिस्चार्ज अंडर सरप्लस टू बी एस्टेब्लिशमेंट. कहीं पे आप सरप्लस मान करके आपको डिस्चार्ज भेज दिया होगा तो वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा. अनसुटेबल फॉर फर्दर मिलिट्री सर्विस, इस तरह का डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए. अनलाइकली टू बिकम एन एब्सेंट सोल्डर, इस टाइप का भी नहीं होना चाहिए. और इन एलिजिबल फॉर फर्दर रिटेनेशन अप टू द इनहेंस्ड सर्विस लिमिटेड ड्यूरिंग नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ले डाउन कंडीशन. इस कंडीशन नेक्स्ट पॉइंट है, एनी इम्प्रिजनमेंट इन सिविल जेल और कन्विक्शन बाई ए सिविल कोर्ट पोस्ट द डिस्चार्ज ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम द आर्मी वेल रेंडर हिम इन एलिजिबल फॉर एनसी. तो सिविल जेल से रिलेटेड, कन्वेक्शन से रिलेटेड और सिविल कोर्ट से रिलेटेड आपके पास इस तरह का कोई जो है सीन नहीं होना चाहिए. उसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है, डिसिप्लिन इन एनसीसी सर्विस, इफ द कॉन्ट्रैक्टेड इंस्ट्रक्टर स्टाफ कमिट्स एनी डिसिप्लिन इश्यू हिज सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड. तो कोई भी आपका इस तरह का डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई इश्यू पाया जाता है तो आपको टर्मिनेट यहाँ पर कर दिया जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन. यदि कोई आपका इस तरह का केस पाया जाता है तो आपको पहले तो यूनिट लेवल पर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और यदि केस मेजर बड़ा इश्यू है यहाँ पे तो संबंधित जो क्रिमिनल पैनल कोर्ट है उसका जो प्रोसीजर है सिविल क्रिमिनल लॉ उससे संबंधित आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट से बाहर कर दिया जाएगा. अब यहाँ पर जो मेडिकल कैटेगरी है, जी सी यू एन सी ओ के लिए जो मेडिकल है सेफ ऑन होना चाहिए. उसके अलावा जब भी आप इस कॉन्टैक्ट में शामिल होंगे तो उससे पहले आपको सिविल सर्जन से एक सर्टिफिकेट लाना होगा कि आप मेडिकली फिट हैं. उसके अलावा पर्सनल प्लेस्ड इन लॉ मेडिकल कैटेगरी बोट टेम्प्ररी एंड परमानेंट ड्यूरिंग इंटायर फॉर्मर सर्विस के दौरान आप लॉ मेडिकल कैटेगरी थे, उसके बाद आप सेपन हो गए हों बिफोर डिस्चार्ज के ड्यू टू एल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम के कारण, तो आपको यहाँ पर इन एलिजिबल माना जाएगा, आप अप्लाई नहीं कर सकते. अब यहाँ पे नेक्स्ट और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर सैलरी क्या दी जाएगी. तो यहाँ पर जी सी ओस के लिए जो सैलरी रखी गई है 45,000 पर मंथ के हिसाब से रखी गई है, और एन सी ओ के लिए 35,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी. तो यहाँ पर जो सैलरी है उसके अलावा यहाँ पर कोई भी अलाउंस यहाँ पर दिया नहीं जाएगा, जिसकी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है. उसके अलावा यहाँ पर एनुअल इंक्रीमेंट 3% दिया जाएगा. एकोमोडेशन आपका ऑन अरेंज हॉलीडे है, नेशनल होलीडे या संडे छोड़ करके. तो लीव यहाँ पर दिया जाएगा 4 दिन महीने में, और नेशनल जो हॉलीडे है वो संडे छोड़ करके. व्हिच मे बी कंबाइंड टू ए मैक्सिमम ऑफ 2 मंथ, दैट इज 8 डेज 8 स्टेज. तो आप एक बार में 2 महीने की यानी कि 8 दिन छुट्टी भी एक साथ जा सकते हैं. मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं जाएगी, जो कि इंटाइटलमेंट है आपके ECS के थ्रू आपको मिलती है, तो वो यहाँ पर उसी के अनुसार आप अपना ट्रीटमेंट कराना होगा. आपको पेंशन यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है. यूनिफॉर्म जो होगा ये समूल भी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरिंग मेंट एंड अपकीप ऑफ हिस यूनिफॉर्म. खाकी यूनिफॉर्म यहाँ पर होगा और डिटेल्स ऑर्डर बाद में इश्यू किए जाएंगे. अभी यहाँ पर और जो मेंशन किया गया है जिसमें कि पोस्टिंग मैनेजमेंट के बारे में बताया गया कि ESM वाइल अप्लाइंग विल गिव 3 चॉइस, 3 चॉइस यहाँ पे देना होगा आपको. और यहाँ पर वैकेंसी के अनुसार फर्स्ट चॉइस मीडिया मिल जाती है आपको, ठीक है, नहीं तो सेकेंड और थर्ड, डिपेंड करेगा
वैकेंसीज के ऊपर। ट्रेनिंग जो यहाँ पे होगी 14 से 21 दिन की होगी आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, इनरोल होने के बाद।